नेचुरल ही है ना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शाहबरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहबरान व्लॉग। आप देख रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह बिल्कुल रेडी खड़ा हूं। तो आज चूँकि हम जा रहे हैं टूर पे इस्लामाबाद वाली साइड पे, आगे भी बहुत सारी जगह हैं जो कि हमने विज़िट करनी है। फ़िलहाल मैंने अभी तैयारी की है, अभी जाना है कॉलेज, सारे स्टूडेंट वगैरह। और ये जो ट्रिप है आज टीचर्स का नहीं है बल्कि सारे स्टूडेंट्स का भी है। तो मैंने स्पेशली ये ना टूर के लिए सूट बनवाया है, सेम बास्केट है, कलर है और बाकी शूज़ वगैरह। तो मैं इस टाइम बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, बस अभी यहाँ से 4-5 मिनट बाद जाना है कॉलेज वाली साइड पे। कॉलेज जाके वहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट हैं, सारी चीज़ें, स्टाफ हो, सारे इकट्ठा होगा, उसके बाद हम निकलेंगे साथ साथ। वो भी आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा फन होने वाला है, बहुत ज़्यादा शुगर लगने वाला है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया है वो सारे का सारा, जिसका जो टाइटल है वो यही है कि हमारा जो टूर है, ट्रिप है, कॉलेज ट्रिप, वो उसके नाम से होगा। तो चलें जी व्यूअर्स, मिलते हैं थोड़ी देर तक, बस जैसे ही मैं निकलता हूँ साथ साथ वो आपको बताता जाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज, कॉलेज के बाद फिर नेक्स्ट हर एक स्टॉप पे आपको बताता जाऊँगा। بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أمرت بالله صدق الله العظيم। हम यहाँ से निकलने लगे हैं, गाड़ियाँ तैयार हो गई हैं, तो चले जी आपको टूर का स्टार्ट करवाते हैं। वही बता सकते हो क्या? आगे रुकना थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ओके ओके, आते आते आते। हर बार बार चलेंगे इधर, तो यहाँ से गाड़ियाँ चल पड़ी हैं। सर जी इधर आ जाए, पीछे देख, पीछे देख, पीछे देख। अगर हम यहाँ पे खड़े थे तो हमारी जो गाड़ी है उसको चलान हो गया है, देखें तो
ये भी एक ट्रिप जा रहा था। तो बेसिक हम किस टाइम मौजूद हैं, तकरीबन फैसल मस्जिद सामने से नज़र आ रही होगी आप लोगों को, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो जूम नहीं हो रहा। बाकी बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं, बाकी सारी ये गाड़ियाँ खड़ी हैं हमारी। तो अभी जैसे ही वो उनके साथ कमिटमेंट करते हैं फिर यहाँ से नेक्स्ट हमने जाना है वैसे मुनाल, और उसके आगे जो है ना पीसवाओ वाली साइड पे जो होटल है वहाँ पे जाएंगे। तो तब तक हम इधर ही रुके हुए हैं जब तक वो सामने बॉस कमिटमेंट कर रहे हैं, देखें क्या कहते हैं, जैसे ही कोई हाल हवाल करते हैं फिर इंशाल्लाह यहाँ से नेक्स्ट बढ़ेंगे। चढ़ने लगे हैं जी पिन नंबर 2। एक मिनट, ये हमें ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया है। किधर है गाड़ी हमारी, पीछे पीछे खड़ी है जी। वालेकुम सलाम, चलें जी आप भी आ जाओ। अभी इधर बनाएंगे ना, यही है वे नंबर 2। अच्छा चिकने चिकने खड़े हैं, शहजादे खड़े हैं। ओके चलें जी, गुड हो गया, बैठे बैठे बैठे। व्लॉग बन रहा है ना, किधर जा रहे हो? आते जाओ आते जाओ आते जाओ। वालेकुम सलाम, मजा आ रहा है, आप भी आना चाहते हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, व्लॉग बन रहा है सामने से आओ। ओके ओके ओके, आ जाओ ना, गिलास इतनी लगाई हुई। चले जी चले, शाबाश जी, हमारी बस पर बस अल्लाह गुला नहीं है, अल्लाह गुला करेंगे ना, आप ये खुद अपने हाथ में अल्लाह गुला करना। अभी तो डांस करेंगे, ये माहौल बनाएंगे। क्लास किसी का नहीं पुराना, नासे अबू द्राब ब्राइट पुराना। तो हम यहाँ पे आए हैं, दामने को स्टूडेंट्स वगैरह को भेज दिया है, वो विजिट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे टीचर लोग सारे यहाँ पे मौजूद हैं, कर लाए इधर रोस्ट करे तो ऊपर जाए, दामने को जो है वैसे वो मंकीज के हवाले से बड़ा मशहूर है, काफ़ी सारे लोग और टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। सर जी दंड ऐसा क्यों नहीं अभी उतरा? ये ग्रीन पाकिस्तान है, ये ग्रीन पाकिस्तान है, वो छोटे छोटे मासूम बच्चों की दो वक्त की रोटी। तो यहाँ पे खूब एंजॉय करेंगे, घंटे का टाइम दिया है उनको कि वो यहाँ पे एंजॉय वगैरह कर लें, घूमे फिरें, पिक्चर वगैरह बनाएं। हम थोड़ा साइड पे हो गए हैं। मौसम बहुत खूबसूरत है, रश भी है, आज 9 नवंबर है ना, उसके हिसाब से इकबाल डे है, तो छुट्टी भी थी, तो आज वैसे मज़ा आ रहा है क्योंकि रश है ना काफ़ी सारा। अभी तो शुरू हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नहीं वैसे मतलब दिन के हिसाब से भी ठीक आ गया क्योंकि वो मौसम भी ठीक है और बाकी रश वगैरह भी है ना, अगर वैसे आते तो शायद आज वो वाला सीन ना हो। हम तो शुगल चाहते हैं भाई। विवर तो मौसम बड़ा खूबसूरत है, हल्के हल्के बादल हैं और लोग भी खूबसूरत हैं। जैसा कि इरफान साहब हैं, खूबसूरत लोगों के साथ आज का व्लॉग है। तो खूबसूरत लोगों के साथ एंट्री हुई है दामने को में। अगर आप मुझे ये ऊंट की सवारी करवा दें तो है वो सामने देखें। ऊंट की सवारी होनी चाहिए ना, ये कब कर लेगा? आना चाहते हो? आजो आजो आजो, इसको नाम बताओ ना, कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त फूल है, अभी आगे और कर लो, देखते हैं आना चाहते हो? आजो आजो आजो, अपने अपनी राय देते जाओ।
कि यहाँ पे कैसा लगा है, मतलब अक्सर आते रहते होंगे यहाँ पे? कपड़े नहीं चलते हैं, बड़ा अच्छा लगे सर, अपना एक अलग जो होता है ना सर, खुशी होती है दोस्तों के साथ। घोड़े पे सवारी करनी है कर चुके हैं बहुत। अच्छा, डर लगता है। तो वैसे हर दफा ना नया दोस्तों के साथ नया मजा होता है सर, दोस्तों के साथ अलग मजा आता है घूमने का। हमारे साथ पिंक टैंकर है, वो बस कर गया। लेकिन ये आप खुल के बोले देते रहते हैं वो, लेकिन वो ज्यादा शॉर्ट भी होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर व्लॉग देखोगे घर जाके। सर पिक्चरिंग हो रही है बस, बस बड़ा तंग कर रही थी ना। इनको कहना कुछ नहीं है सर जी। ना जी सर, मैं आता हूँ। बस ठीक है, साफ आ रही है। अब हम जो मेन जगह है ना, अब जिस जगह भी जा रहा हूँ ना, वहाँ पे आपको पूरे का पूरा इस्लामाबाद नज़र आएगा। वहाँ पे वैसे मैं ढलवान से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे फैसल मस्जिद भी सामने नज़र आएगी, सेंटोरस मॉल भी सामने नज़र आएगा। हाँ ऊपर ऐसे ऐसे जा रहे हैं, आना चाहते हैं आ जाओ आ जाओ। तो अब जो जगह है ना, वहाँ पर बड़ा रश भी होता है, बड़ा मज़ा है। तो वो चीज़ जाके आपको दिखाता हूँ, पिकनिक पॉइंट के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त है। इधर पहले होता था ना वो गन पॉइंट पे, वो निशाना बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे, तो ये चीज़ है देखने वाली जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त। आज वैसे धुंध है, मौसम थोड़ा सा है, वो क्लाउडी वेदर है। वैसे धुंध की वजह से ना वो सामने मतलब जो है सारा फैसल मस्जिद, और वो सामने सेंटोरस है, डाउन में फैसल मस्जिद भी है, मोनोमेड भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे सराइकी की एक दो शेर पढ़ लें। पढ़ लो ना, अब आप पढ़ लें, आप पढ़ लें। मैं तो शेर नहीं सुना, तो फिर ये क्लासेस में कहेंगे शेर सुना। तो हम यहाँ से तकरीबन खूब इंजॉय किया है। भाई वीडियो बनाना चाहते हो? वीडियो है ना जी सर? नहीं, स्लोमो बनाना चाहते हो? तो दामन एक घूम लिया है, खूब पिक्चरिंग की है, टिकटॉक की वीडियो सारी शूट हो गई हैं। तो उसके बाद अब हम चलेंगे यहाँ से। इरफान साहब नेक्स्ट कहाँ पे जाना है? डायनोसॉर वैली। डायनोसॉर क्या चीज़ है? डायनोसॉर वैली जाना है। यहाँ से नेक्स्ट चलेंगे डायनोसॉर वैली, फिर वहाँ पे कहना है तो आप दें ना। चलो आपका लिंक कर दूंगा वो पेस्ट नीचे। तो हमने यहाँ से निकल के वहाँ पे जाना है डायनोसॉर वैली, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सीन है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है वो भी। तो उसके बाद हमने वापसी आना है, वापसी पे फिर मुनाल, मुनाल तो कोई अगर बंदा जाए और मुनाल पे ना जाए ये हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद फिर अभी बहुत सारी चीज़ें, अभी तो बड़ा दिन है, अभी तो 10-11 हुए हैं। तो हमने वैसे 11 बजे का टाइम दिया है यहाँ से निकलेंगे, तो अभी 11 हो रहे होंगे, हम यहाँ से निकलने लगे हैं। बस ये आखिरी सीन, बच्चे वगैरह पिक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं, सारी हो गई हैं तकरीबन ऑलमोस्ट, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे हैं, कुछ आगे चले गए होंगे। हम यहाँ से निकल के वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ पे खूब हल्ला गुल्ला है, सारी चीज़ें हैं, स्टूडेंट बस तकरीबन इकट्ठे होने लगे हैं सारे। तो यहाँ से फिर वहाँ पे उसकी तरफ जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। खूबसूरत नज़ारा है ना।
हाँ जी, तो व्यूअर्स बच्चों से सवाल करते हैं कि इनको दामन को कैसा लगा, अभी तो और भी जाना है आगे, तो बारी बारी बताते जाएं जी कैसा लगा है। अच्छा, है कोई स्पेशल चीज कुछ कहना चाहते हो, बाकी उनको पैगाम देना चाहते हो? स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो ये आए हैं, इन्होंने खूब इंजॉय किया है, तो इन्होंने खूब इंजॉय किया है यहाँ पे, इनकी राय लिए, वो कहते हैं कि यहाँ पे आना चाहिए, ग्रीन पाकिस्तान, खूबसूरत लोकेशन है पहाड़ों के, ये दामन एको है वैसे भी पहाड़ों के इन बिटवीन है, बीच में है, तो पार्क भी जबरदस्त है, लोग भी खूबसूरत आते हैं। ये बच्चे जब हम आ रहे थे तो कह रहे थे कि मज़ा नहीं आ रहा ना सफ़र का, तो मैंने इनको बोला है कि अब आगे जाएंगे तो वहाँ पे खूब मज़ा होगा, तो अब हमारा बताइएगा मज़ा है या नहीं है? बहुत मज़ा, बहुत एंजॉयमेंट की हमने। अच्छा, चले जी, ओके हो गया, तो ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर, सर सान साहब बड़ी वीडियो शूट कर दी है मैंने। सही आ रहे हैं, रश बच्चे आ रहे हैं। हाँ ना, चल फस गया। लाग बनाया अभी नहीं है वो, ठीक है हैं। आ जाए सारे, आ जाए, ये टाइम हो गया है, पोस्ट कर देंगे इंशाल्लाह। डायनासोर हैं, लाग बना रहे सर। हाँ ना, डायनासोर देखो। हरिपुर सरैकी वास्को बोले सर, ये देखो डायनासोर है, शाबाश। देखने का लाइट ही आ रही है ऊपर से, आगे जा रहे क्या खराब हुआ पड़ा है। हाँ ना, पाकिस्तान जिंदाबाद।
हाँ ना ढाई से उसका बैटरी कमजोर है ना इसकी डायनोसार वैली है ना जी सारे इसमें डायनोसार ही होंगे तो इसकी हाइट पे आ गए हैं वो डाउन में सारे यहाँ से आए थे ये डायनोसार वैली अहमद ये कोई चमगादड़ है क्या चीज़ है पता नहीं तो हम इस टाइम ऊपर ऊपर हाइट की तरफ जा रहे हैं तो काफ़ी सारी हाइट है काफ़ी सारा फन है यहाँ पे सारे डायनोसार क्योंकि वैली डायनोसार है तो इसलिए यहाँ पे सारे आप क्या के सारे लोग जा रहे हैं तो अभी तो और भी ऊपर जाना है अभी तो पार्टी शुरू हुई है तो इधर जो ये क्या चीज़ है सर अच्छा हाथी है जी एलिफेंट ये है हाथी चलेगा ये आज के दिन की वाक भी हो गई है हो गया ना क्या करें बस खत्म खत्म इधर रुक जाना है नहीं बॉडी बना रहे हैं अच्छा जाग भी निकल रही है हाँ नेचुरली है ना सर इधर भी देखो तो उसकी जाग गई नहीं ना कुछ गहरी सुबह ऊंचा सुबह व्यूअर्स तो हम यहाँ पे खूब घूमे उसके बाद अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे ये कहाँ पे आखिरी पॉइंट था उसके बाद हम अब डाउन की तरफ जाएंगे ये सारे स्टूडेंट नीचे जा रहे हैं ये ऐसे रास्ता है ना हमने भी इसी रास्ते में जाना है तो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ ये सारे वहाँ पे चले गए हैं भाई नासिर खड़े हैं जी ऊपर ट्रायल अभी बनाने होंगे ये नहीं ना ऐसा ऐसा भी ये काम हो रहा हो देखो ना वो सामने काम हो रहा है तो काम अभी बाकी है तो चलें जी नीचे चलते हैं हम यहाँ से जाएंगे डाउन बच्चों को भूख लग रही है ये चीज़ें खा रहे हैं ये हाथी है एलिफेंट है और ये बच्चे खाना खा रहे थे तो अब हम जाएंगे टाउन में अभी लेने हैं झूले जा रहे हो ये हम टॉप पे आए हुए हैं वैसे वो भरे हैं अभी तक पिक्चरें नहीं ख़त्म हुई आप लोगों की हैं नहीं ख़त्म हो रही तस्वीरें पिक्चर नहीं ली अभी तक आ जाओ आ जाओ मुझे तो डर लगता है सर आप इतने कॉन्फिडेंट है कि डांस करने पब्लिक के लिए ये नहीं करते तो ये हेल्थ प्रॉब्लम है इसके लिए क्या क्या बात है तबीयत खराब हो जाती है ना ओ सर जी ये तो कुछ चीज नहीं है अगर आपको जो ऊपर नहीं जाता अगर आपको ये डर है ना कि इसको कुछ हो जाएगा जब से बने तब से नहीं हुआ अच्छा आपके साथ अचानक बहुत कम चांस है जब से बने तब से सही रेट था मतलब कितने बोले हो रहे हैं सारे आ गए
तो बारी आई है झूले लेने की, तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हमारे झूले लेने के लिए पहुँच गए हैं। ये उनका वैसे पैकेज था कि इसमें ना, ये वैसे देखें कितना खूबसूरत एरिया है, ये सारा बॉर्डर में ग्रीनरी है। अभी वैसे मतलब ना ठंड की वजह से धुंध है, तो वैसे इलाका बड़ा खूबसूरत था। खुल के लें झूले, जल्दी जल्दी बस। यहाँ पे जो झूले लेने वाली जगह है वहाँ पे हैं बच्चे, ये सारे देखते हैं, तो खूब इंजॉय कर रहे हैं, झूले वगैरह ले रहे हैं, तो उसके बाद देखते हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है? जी जी हाँ ना, आप झूले में तो बैठे हैं, झूले पे बैठ ही नहीं रहे। सर जी सुनाए? हाँ ठीक, आप सुनाए, मजा आ रहा है? कैसा लगे? हाँ जी शहजादे, मजा आ रहा है? अब मजे में आए, हम जिस ड्राइवर के साथ आए ना। क्यों? वो जो गाड़ी पीछे जा रही थी वही थी? हाँ जी, वो हमारी गाड़ी थी। शुक्र। बताना है कि कैसा लगे? सर मजा आ गया। अभी तो गए ही नहीं है, कहाँ पे मजा आया? इधर बैठे हैं ना, सही मजा आया। अच्छा? सही मजा आया सर, उड़ाया नहीं है, सही उड़ाया नहीं है। क्या कर रहे हैं? सही उड़ाया नहीं है, सही उड़ाते मर जाते। आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, झूले ले लिए हैं, बच्चों की तरह शोर कर रहे थे। ना मैं तो नहीं लेता। नहीं ना, खाना 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 है। नहीं तो खाना खाने से पहले ले ले। मजा इसका था। इधर आते जाओ। अली किधर गया? अली अली इधर है। अली एक्सपीरियंस, अली इधर आओ, अली इधर आओ। आप ने सवारी कर ली है अभी? अली कैसा लगा है? अली अमीन, क्यों? हाँ कैसा लगे? उस तरफ से तो बेहतर होते, जब इस तरफ से आते हैं इस तरफ से सीन खराब होते, जब इस तरफ से बंदे आते हैं नीचे तब सिस्टम खराब होते हैं। इस तरफ उस तरफ देखें ना, मैं तो जान ही नहीं चाहता। नहीं आप बैठे, ये ठीक है। हाँ ना, कर करो। कौन कौन गए थे? किसने? लास्ट में बैठने का बहुत खतरा है। तो वो हुमायूं तो बिल्कुल लास्ट में बैठा था, अभी तक टांगे कांप रही हैं। यस सर, हम गिरने वाले हैं। तो वही ना, इसलिए हम जा नहीं रहे क्योंकि हमने दो दफा एक्सपीरियंस किया था। अच्छा। तो वो मुश्किल था, बैड एक्सपीरियंस था, तबीयत खराब हो जाती है। आप तो फिर घबरा रहे हैं। अच्छा जी, वो जो बड़ी कश्ती होती है उसमें बैठे आप?
हाँ जी अदनान सारे में नहीं गए कैसे लगे क्यों ना दुल करने तो हम तो पहले से कह रहे थे अंदर के बाद हम तो तब से भी नहीं जा रहे थे तो पहली दफा थे अच्छा ये आप पसंद पसंद की बात है हाँ कौन सी क्लास वाले अब मौसम बड़ा खूबसूरत बन गया है, बादल आ गए हैं, तो ये व्यूज़ आपको दिखा देता हूँ डैनो वैली का। हाँ जी कैसा रहा है? बस दिखने में बहुत अजीब सा लग रहा था लेकिन था बहुत आसान सा, मतलब वो कश्ती जैसा नहीं था, कश्ती में मैं नहीं बैठा, मेरे दोस्त बैठे तो वैसा नहीं था, आसान था, मतलब सही था। चले ठीक, इंजॉय किया, गुड हो गया। जूली डर लगता है यार। हाँ हाँ जाने वाली है वो कम डर लगती है, सब में डर लगता था। अरे क्या पी रहे हैं? यूनिवर्सिटी में पी थी लेकिन आप तो वो अमाउंट एक बार गई थी कश्ती वाले में, लेकिन फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस? फिर अंडर कंट्रोल लगाते रहे सर जी, वो मुझसे जवाब कर जवाब बस बहुत शोर करते हैं और उसकी आवाज नहीं है सेकंड वाले में जन्म आवाज की नहीं आ रही। अच्छा वो बहुत, अब उसके पास जाना है, वो सामने देखो सर ये नहीं आती, जब से बने तब से लड़ते हुए ठीक ठाक स्मैन है ये, इसकी पिक्चर वहां पे भी है मोनाल के पास है। सर आप भी जाना आगे, बस उधर ही बना लेंगे अब ये है डायनासोर वैली के आखिरी। अच्छा ये भी जगह रहती थी, ओके। अच्छा ये होटल बना हुआ है, पिज़्ज़ा हट वगैरह होगी, तो इसके पास पिक्चर बनाने का। अच्छा वो बंदा भी लटका हुआ है, तो अब यहाँ पे हम ग्रुप पिक्चर बनाएंगे, उसके बाद कुछ बच्चे पहले से पहुँचे हुए हैं जी। ये है डैनो वैली, तो यहाँ से अब हम निकलने लगे हैं डायनासोर वैली। बड़ा मज़ा आया है सर को दरमियान में लेके आया। हाँ किसको? अनीस साहब कर रहे हैं, अनीस साहब कॉल सुन रहे हैं, बाकी ये सर और बच्चे वापस आ रहे हैं, तो यहाँ से अब हम निकलेंगे। कैसा लग गया है? अच्छा ये जगह तो हमने देखी नहीं है, को पानी आ रहा था यार। तो हमारी गाड़ी कौन सी है? रूट नंबर 2। हाँ जी सर जी कैसा लगा है? मज़ा आया? आए थे आप? करते हैं अभी, करते हैं 10 का ये काउंट करो कितने बैठे हैं, जाएंगे मोनाल सर से, चलो थोड़ा सा पूछ लेते हैं कैसा लगा है, कैसा लगा है? सर बहुत इंजॉय किया, नजम साहब का मिस कर रहे हैं। चलो अब हम यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह मोनाल वाली साइड पे।
लगते ही नहीं नहीं खाई नहीं जाता खाई नहीं जाता अरे अगर इस व्लॉग पर भी उन्होंने लाइक ना किया फिर ना करें बस खाओ 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 चीज़ें पूरी हैं किसी चीज़ की कमी तो नहीं है हाँ जी दादे शाबाश ये हमारा फैमिली होटल है उधर व्यूअर्स हम यहाँ से खाना खाए हैं और उसके बाद अब हम वापस की तरफ जा रहे हैं तो अभी थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है मौसम भी थोड़ा सा हो गया है बादल आ गए हैं बारिश होने वाली है मौसम बड़ा खूब है ठंडा मौसम बन गया है तो अब हम यहाँ से वापस की तरफ निकलने लगे हैं तो ये सारी जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं ये मुराल की तरफ जा रहे हैं और हम जो वापस जा रहे हैं मुराल से यानी डाउन की तरफ मुराल काफ़ी हाइट में था तो अब हम जितना भी सफ़र करेंगे ना दामन एक और इसके साथ डाउन में वो हम डाउनवर्ड जाएंगे।